एज यू कैन सी आज हम इसको अब लेके आए हैं साथ अपने, यूनिक सा अजीब सा एक्सपीरियंस लग रहा है। वैसे तो अब हम इसको साथ लेके चल रहे हैं ना तो लोग थोड़ा थोड़ा वैसे साइड पे हो जाते हैं, वो बच्चा लेके आ रहे हैं, गाड़ी वाले भी यूँ रुक जाते हैं दूर से ना। हाँ भाई बॉयज एंड गर्ल्स, क्या हाल चाल है? दिस इज योर बॉय मूसा खाना एंड वेलकम बैक येट टू अनदर व्लॉग। मेरे साथ है इस वक्त फिजा खाना और इस वक्त है आइजन खाना पीछे गाड़ी पे बैठा हुआ है। भाई आज का मिशन बड़ा मुश्किल है, आज हम इसको दूसरी दफा फिजा लेके जा रहे हैं बाहर। हाँ पहले तो हम सिर्फ 10 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए अंदर बाहर। आज हमारा है कि यार आज संडे है और हमने कहा कहीं बाहर निकलते हैं एज अ फैमिली, क्योंकि बेचारी जब से पैदा हुआ है ये फिजा तो बाहर निकली नहीं। मैं तो निकल जाता हूँ ना जिम में वगैरह में। तुम कितनी दफा गई हो बाहर? सिर्फ इसकी डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट पे, एनिवर्सरी डिनर पे गए थे, उस दिन एचीबी बस से हम गए थे। तो ये कह रही है मुझे कुछ हो रहा है, तड़प रही हूँ मैं, जल रहा है मेरा सीना। कहीं ना कहीं हम लोग बाहर निकले ही होते थे, पहले हम बहुत बाहर निकलते थे ना, वो सारी एंटरटेनमेंट रुक गई है। यही होता है, अब क्या करें, बच्चा पैदा हो गया, बच्चा प्रायोरिटी बन गया हमारी। मैं भी यूट्यूब पे थोड़ा कम हो गया एक्टिव, इंस्टाग्राम तो टिकटॉक पे लगाता रहता हूँ, उस पर तो इतना मसला नहीं होता रील वील बनाना, लेकिन ये होता है ना पूरा व्लॉग बनाओ और ये सारा करो। खैर नॉट कम्प्लेनिंग, नॉट मेकिंग एक्सक्यूजेस, बनाता रहूंगा, वो मसला नहीं है। अभी जैसे जैसे हम स्मूथ हो जाए ना आइजन के साथ, समझ आ जाए कि इसको कैसे लेके जाना है, क्या करना है। जैसे आज हम पहली दफा इसको स्ट्रॉलर में रखेंगे, स्ट्रॉलर में अभी तक नहीं डाला था, बस कार सीट में डाला था और एक वो बस्ते की तरह पहले तो हाँ बेबी कैरियर, तो उसमें तो ये सो गया। तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी में जब बैठता है सो जाता है कार सीट के अंदर ना। हो ही जाएगा, इतना इशू नहीं है। अभी एक महीने का हुआ है बस, एक महीने का कहाँ हुआ है, वेंसडे को हो जाएगा, अभी वेंसडे को होगा एक महीने का, अभी बहुत छोटा है भाई ये तो। रातों को भाई नींद हमारी पूरी नहीं होती कभी, आई मीन स्पेशली उसकी। हाँ बस छोटे छोटे नैप घंटे घंटे के, आई मीन स्टिल इट्स अ जॉय, मजा तो आता है जो भी है, अल्लाह का शुक्र है यार। हमसे छोटे छोटे भी लोग हैं एज में जिनके बच्चे हो जाते हैं, तो ये तो इतना मसला नहीं है। कभी कभी यू नो होता है, याद आती है एक दूसरे की, जब हम खुला खुला मूवियां देखने जाते थे। अच्छा जैसे ही मैं और फिजा साथ हो जाते ना इकट्ठे, हम कहते चलो यार हम कोई बैठ के ना चीज देखते हैं, कोई शो देखते हैं, साथ ही पीछे से आवाज आएगी ऊ ऊ ऊ ऊ। जब भी इसको पता चल जाता ना कि हम अस टाइम गुजारने वाले हैं, इसकी आंखें बैटमैन की तरह खुल जाती है, अच्छा मुझे इग्नोर कर रहे हो, और ज्यादा फौरन ऐसा शोर मचाता है। मैं भी उसको फिजा को कह रहा, फिजा को मेरा ही बच्चा ही इतना रोता है। अरे आपकी मामा ने बोला क्या कि आप भी बहुत रोते थे, यूज नहीं कि तुम तो इतना रोते थे मोहल्लों की आंटी आगे कहती थी कि आपका बच्चा रो ही जाता है। हाय ला रुखसाना, तेरा बच्चा तो रो ही जाता है। क्या रुखसाना नहीं, मेरी अम्मी के नाम वैसे ही कह रहा हूँ। लेकिन एनीवेज बॉयज एंड गर्ल्स, अभी का प्लान ये है कि हम जा रहे हैं पार्क मॉल में, ये आर्लिंगटन में एक पास मॉल है, तो इधर जाके थोड़ा सा हम घूमेंगे फिरेंगे। इसके साथ लेना वेना तो शायद हमने कुछ नहीं है, लेकिन एक आउटिंग हो जाएगी ना एज अ फैमिली, फ्रेश हो जाएंगे थोड़ा सा इंशाल्लाह। उसके बाद खाना तो वैसे घर पे बना हुआ था, लेकिन फिजा की नहीं बाहर से खाते हैं, बहुत जुल्म हुआ है मेरे साथ। फोर्थ को हम गए थे, फोर्थ तो ऐसे जैसे 400 BC की बात कर रही है, ये 4th August में गए थे हम। हाँ तो अब एक हफ्ता कटा लो ना उसमें से, वो ले जाता ना एक हफ्ता तुम्हारा, समझो इस बात को। वैसे भी घर का खाना मुझे तो पसंद है भाई, मैं तो जो पकता है खा लेता हूँ, उसमें गोश्त हो बस ये मेरी रिक्वायरमेंट होती है। मैं पहले आपको मॉल पे जाके हम मिलते हैं, अभी इसको हम गाड़ी से निकालेंगे स्ट्रोलर में डालेंगे, उसके बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ ब्लॉग, लंबा प्रोसेस है। बट बिफोर वी कंटिन्यू डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बॉय मूसा खाना और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे। वी विल सी यू एट द मॉल इंशाल्लाह। भाई बॉयज एंड गर्ल्स सीन ये है कि हम मॉल के अंदर इस वक्त आ गए हैं, इसमें यूनिक लोग है अब नहीं भाई, कपड़े पता किसके अच्छे होंगे, हमारे अच्छे होंगे जो मैं निकालूंगा सून, zenmato.com ठीक है भाई, ओपन हो रहा है, मैं कपड़े सारे डिजाइनर निकालूंगा, आप लोग चेक करना, फिर ये मॉल पे इंशाल्लाह एक दिन मेरी भी दुकान होगी। खैर एनीवेज बॉयज एंड गर्ल्स, एज यू कैन सी आज हम इसको अब लेके आए हैं साथ अपने, यूनिक सा अजीब सा एक्सपीरियंस लग रहा है। वैसे तो अब हम इसको साथ लेके चल रहे ना तो लोग थोड़ा थोड़ा वैसे साइड पे हो जाते, वो बच्चा लेके आ रहे हैं, गाड़ी वाले भी यूँ रुक जाते हैं दूर से ना। ऑब्वियसली पैसेंजर फ्रेंडली बहुत है अमेरिका, और लोग वैसे भी आपकी ज्यादा केयर करते हैं जब आप बच्चे के साथ जा रहे हो। तो बड़े अरसे बाद मैं और फिजा मॉल पे निकले हैं, खुश हो रही हो तुम फाइनली? अटेंशन मिल रही है सारी, असल में मैं साथ ब्लॉग भी कर रहा हूँ ना, तो सारे लोग देख रहे हैं, एक तो ब्लॉग कर रहा है साथ बच्चा लेके घूम रहा है। यार ये अच्छा मॉल है, पार्क मॉल काफी अच्छा मॉल है, देखो छोटा गाँव है यार, अच्छा खासा है। हाँ यार लिंगटन की वहाँ थोड़ी सस्ती है, ये मसला है। वैसे एक बात बताऊँ तुम्हें,
ये थोड़ा सा जब बड़ा हो जाएगा ना चीजें समझने लग जाएगा, फिर देखना कितना तंग करेगा आगे, फिर यहाँ पे भागेगा स्टोर में, फिर वो खिलौनों की दुकान से नजर आई कहेगा आई विश आई हैड दोस टॉयज। भाई अब हम कपड़े लेते नहीं है, अब मैं कपड़े बनाता हूँ ऐसे ही। फिर एक दुकान है ज़ुमीरस, पता नहीं क्या नाम है इसका, ठीक है। इस पर आप देखो एम्ब्रॉयडरी जो मैं अपनी शर्ट्स पे करूंगा ना एम्ब्रॉयडरी आगे, मतलब हाई क्लास की, देखो इस पे भी हुई हुई है एम्ब्रॉयडरी, लेकिन इसकी प्राइस देखो जरा, हुडी है ये $89 की, चेक करो जरा प्राइस। मैं आप लोगों को अच्छी प्राइस में दूंगा और शर्ट हाई क्वालिटी प्रीमियम होंगी, ठीक है। और फजूल फजूल पैटर्न बने हुए हैं, गंदी गंदी शर्टें हैं, चेक करो जरा, मतलब ना इनमें कोई स्टाइल ना फैशन, और बहुत ही ओवर साइज है, फिटिंग में भी अच्छी नहीं आएंगी। मेरा जो विजन है ना वो ये है कि जो भी चीज़ पहने ना, चाहे वो जिस तरह मर्जी हो, आ जाओ, चाहे वो जिस तरह मर्जी हो, मोटा पतला ना, उस पर वो चीज़ ज़रा ना अच्छी लगे। आगे मैंने ना प्लान बनाया अभी, आई डोंट नो यू कैन वैलिडेट दिस आइडिया, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, लेकिन मैंने रिंग्स भी बनवानी है इंशाल्लाह, और नेकलेस जो है ना वो भी बनवाना है मैंने, नेकलेस मेंस नेकलेस फीमेल नेकलेस इंशाल्लाह, उस पर भी मेरा आगे प्लान है। वो बड़े प्यारे प्यारे मैंने डिज़ाइन सोचे हैं जो कि मैं लॉन्च करूँगा। इस तरह की चीज़ नहीं होगी कि मैं एम ही बना रहा हूँ, वो चीज़ जो मैं खुद भी यूज़ करूँगा। अब मैं एनएमए की शर्ट्स लॉन्च कर रहा था ना, एक्चुअली एनएमए की शर्ट सिर्फ नहीं होंगी, प्लेन सिंपल शर्ट्स भी होंगी। अब ये देखो जरा एनएमए की शर्ट्स, ये चेक करो जरा, अबे फॉर एग्जांपल जुजुत्सु काइज़न की कितने की शर्ट, 24 की है, लेकिन अबे प्रिंट देखो शर्ट का, गंदी शर्ट, गंदा मटेरियल, और यहाँ पे लोग इतने इतने महंगे फजूल की चीजें ले रहे होते हैं, इसका तो सीन ऑफ है। मैं जो चीज निकालूंगा ना इंशाल्लाह, और देखो कॉर्नी शर्ट्स हैं, मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने डिजाइन बनाया ना बॉयज एंड गर्ल्स, एक भी वैसा आपको यहाँ पे नजर नहीं आएगा। जो नेकलेसेस और जो रिंग्स है ना वो भी मैं बड़ी हाई क्लास हाई क्वालिटी की, जो कि अमेरिका में भी नहीं मिलती और पाकिस्तान में भी मिलना मुश्किल है, और इंशाल्लाह हर चीज पे बहुत केयर से मैं बनवा रहा हूँ, सैंपल्स उनके मैं मंगवा रहा हूँ, मैं सैम्पलिंग उसकी बार बार करूंगा और वो चीज़ ही आपको बेचूंगा जो मैं खुद यूज़ करता हूँ या फिज़ा खुद यूज़ करती है लड़कियों के मामले में भी। अब कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे जो बुरी नहीं हैं, ये जो बैग है फॉर एग्जांपल, ये बैग अच्छा है अगर बच्ची लड़कियों ने यूज़ करना है, जो वन पीस के फैन है वगैरह, वो बैग बुरा नहीं है। कुछ चीज़ें हैं इसमें, ये एम्ब्रॉयडरी हुई हुई स्ट्रॉ हैट क्रू वाली, ये बुरी नहीं है टोपी। खैर यहाँ पे लोग देखो फिज़ा के पसंद के लोग हैं, यहाँ वैसे चपड़ी यहाँ पे ना अमेरिका के चपड़ी आए होते हैं बेसिकली इस वाले मॉल में। वैसे दूसरा है एक नॉर्थ पार्क वाला, वो इतना बुरा नहीं है, लेकिन असल में मसला पता है क्या है, हम अब मॉल इसलिए आते हैं क्योंकि और कोई इंडोर एक्टिविटी है ही नहीं अभी। अब इतनी गर्मी है कि कोई आउटडोर एक्टिविटी तो आप कर नहीं सकते, इंडोर में मॉल ही बचता है या फिर आर्केड वाली जगहें होती हैं, वो नहीं होती बच्चों की गेम खेलने वाली। अब उधर मैं और फिजा कह जाए हमारी कौन सी पहली दूसरी डेट है, ये तब की जगहें होती हैं ना, समझ नहीं। शादी के बाद एक दो दफ़ा तो गए, एक दफ़ा गए थे हम, वो भी बोर हो रहे थे निकल गए। अब बच्चा बड़ा होता है ना, बच्चे को ऐसी जगहों पे लेके जाते हैं। बॉयज एंड गर्ल्स सीन ये है कि मैं मॉल से गुजर रहा था, मुझे एक घड़ी पसंद आ गई जी शॉक की ना। अब जी शॉक की वॉचेस थोड़ी चीप होती हैं, ये मुझे मिली 100 की सिर्फ, लेकिन मुझे ना जिम के लिए कोई वॉच चाहिए थी जिसमें मैं, क्योंकि मैं आजकल मैं स्विमिंग कर रहा हूँ, जिम जाता हूँ, हैवी लिफ्टिंग वगैरह करता हूँ, तो मैं अपनी जो अच्छी वाली घड़ियों में पहन नहीं सकता, तो उसके लिए मैंने कहा मुझे एक घड़ी चाहिए थी, मैं टाइम बार बार देखना होता, उसके लिए मैंने एक घड़ी पकड़ी, मैं आपको दिखाता हूँ वैसे हाथ पे कैसी लगेगी, बड़ी फिट घड़ी है, चेक करना। हाँ तो बॉयज एंड गर्ल्स ये है वो घड़ी जैसे आप चेक कर सकते हो, इज एन एक्सपेंसिव, लेकिन सीन ये है कि यार मुझे बाजू पे काफ़ी अच्छी लग रही थी, आई ऑलवेज लाइक द स्मॉल डायल्स, ठीक है। दूसरा देखो आजकल ना मैं जिम जा रहा हूँ लाइफ टाइम पे, अब वो वाले जिम का ना मैं आपको टूर कराऊंगा, लाइफ टाइम यहाँ का बेस्ट जिम माना जाता है, उनकी जो ब्रांच है ना अंदर हर चीज़ होती है, स्विमिंग पूल सोना स्टीम रूम जो आपने ज़िंदगी में सोचा होगा ना उस जिम के अंदर है, टॉवल्स भी फ्री होते हैं जितने मर्जी यूज़ करो, शैम्पू ये वो, और बहुत बड़ी फैसिलिटी बनी होती है, स्पोर्ट्स होती है अंदर। लेकिन खैर आजकल मैं उस जिम में जाना शुरू किया तो वहाँ पर ना मैं स्विमिंग करता हूँ और अक्सर सोना में इधर उधर बैठता हूँ जकूजी वगैरह पे ना, और जिम में ना ज़्यादा घड़ियाँ भी नहीं लगी होती तो मैं बार बार टाइम देखना होता है, मैं ये वाली घड़ियाँ तो नहीं पहनता जाके जिम में, तो मुझे इस तरह की कोई चाहिए थी जिसमें मैं स्विमिंग भी कर लूँ, वाटर रेजिस्टेंट हो शॉक रेजिस्टेंट हो, तो मैंने कहा ऐसी पकड़ लेते हैं, फैशनेबल भी है ये चीज़, तो भाई की आँख ना थोड़ी चीज़ों में अच्छी होती है। बाय द वे हम ये बच्चों के कपड़े की दुकान पे आए हैं, कोई पसंद है तुम्हें, फ़ायदा है नहीं, अब इतने कपड़े बल्कि जिनके बेचारों के बच्चों के कपड़े नहीं ना मुझे बता दो, हम अब पार्सल कर देंगे। ये वाला बड़ा फिट है, होए 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 पूरी पैंट शेंट के साथ, ये भी अच्छा है वैसे, आजकल तो भाई बच्चों के फैशन है मैं पूरे पूरे। इंशाल्लाह ये थोड़ा बड़ा हो जाए ना मेरा बच्चा, बाल शाल सब आ जाए, ऐसे स्वैगर बना के तैयार करूंगा इसे मैं, मैंने कहा थोड़ा बड़ा हो जाए इसको पूरा स्वैगर बना के रेडी किया करूंगा डैपर, अभी तो छोटू सा है ना, ताकि सारी लेडीज कहें ओ माय गॉड ये तो रिजलर मूसा खाना का बच्चा है। खैर एनीवेज बॉयज एंड गर्ल्स अब यहाँ से हम निकलते हैं मॉल से, काफी टाइम हो गया बंद होने वाला है, आपको फिर मिलते हैं खाने की जगह पे इंशाल्लाह। हाँ भाई बॉयज एंड गर्ल्स सीन ये है, हम पिज्जा की जगह पे आ गए हैं, इसका नाम है मिस्टर ओवन पिज्जा। अब ये है जो इटालियन स्टाइल पिज्जा है जो बड़ा थिन क्रस्ट वाला हम कर रहे हैं, आई मीन पिज्जा ऑब्वियसली हेल्दी तो नहीं होता लेकिन इट्स कंपेरेटिवली हेल्दी चॉइस और बड़ा मजे का टेस्टी पिज्जा, और स्टार शेप में होता है आपको दिखाएंगे, हमने ना ऑर्डर कर लिया।
मैं तेरा गला दबा दूंगा जो पीछे बच्चा भौंक रहा है। पहली दफा हम इसको एक्चुअली रेस्टोरेंट में लाए हैं, पहले नहीं सो वैसे ही सोया हुआ है सारा टाइम तो सोया रहा है वो, आराम से अपनी पार्टी कर रहा है वो। मुझे लगा शायद भूख लगी होगी, मैंने निकाला उसको, वो अभी भी सोया हुआ है। घर जाके ना पता नहीं क्या उसको अंदर से कुछ होता है, फिर ये उठ पड़ता है, फिर जब ये उठता है तो सोता नहीं है। हम चेक कर रहे थे कि 3 हफ्ते का बच्चा सोता क्यों नहीं इतना, तो वो ना मैंने टिकटॉक पे देखा, सारी औरतें कंप्लेन ही कर रही थी, सोल्यूशन कोई भी नहीं दे रही, सोल्यूशन बस कह दी अपने साथ लगा के सुला लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल कभी कभी ना हम दोनों उसको बीच में हमने सुला लेते हैं, फिर ये सो जाता है। आई थिंक वो ह्यूमन वॉर्मथ होती है ना, वो बच्चों को पसंद होती है। अगर कोई माएँ देख रही हैं मेरा चैनल तो जरूर कॉमेंट करके बताएं आपने अपने बच्चों को कैसे पाला इस मुश्किल वक्त में, जब 3-4 हफ्ते का हो जाए, और ये कब बेहतर होता है, व्हेन डज इट गेट ईजी, मतलब ये सोना कब शुरू करेगा ताकि हमारी नींद भी थोड़ी थोड़ी पूरी होने लग जाए। यू नो बॉयज एंड गर्ल्स पिज्जा आ गया है, और हमारा जो कच्चू है वो अभी दूध पी रहा है बॉटल से, तो फिजा तो खा नहीं सकती, तो तब तक मैं खा लेता हूँ। नहीं नहीं मैं तुम्हें देता हूँ, अभी देता हूँ। अच्छा बाय द वे देखो ये पिज्जा है, मशरूम पिज्जा है, ठीक है, विद चिकन, और ये विक्टोरियन का है स्टार शेप पिज्जा, चेक करो कितना ब्यूटीफुल है। ये लो हम डालेंगे थोड़ी सी बाल्सामिक विनेगर, नहीं स्पाइसी है, बाल्सामिक किधर गई, उसे मंगवा लो। अच्छा वो लाया ही नहीं, चलो खैर है। लो जी पिज्जे का टेस्ट है। पिज्जा क्या मजा आ रहा है, वो पी भी नहीं रहा, नहीं पी रहा, बॉटल रहने दो फिर। बॉयज एंड गर्ल्स ये पिज्जा मैं कहता हूँ विक्टोरियन का मिस्टर ओवन 9 out of 10 पिज्जा, बहुत मजे का है। ये कॉटेज चीज होती है इसके अंदर, यहाँ पे चिकन है, टोमेटो सॉस है, इतना सॉफ्ट, इतना जूसी, जला हुआ नहीं, नीचे से वैसे ही बर्न किया हुआ थोड़ा सा ना, क्रिस्पी करने के लिए। वाओ क्या पिज्जा है। और दूसरा वाला ट्राई करते हैं, ये देखो चेक करो जरा, दूसरा वाला है मशरूम चिकन वाला। मुझे याद है रीनस किचनेट होता था, वहाँ पे ऐसा पिज्जा मिलता था, लेकिन मुझे चाइनीज रेस्टोरेंट बड़े पसंद है वहाँ पे। यहाँ पे इंडो चाइनीज, इंडो चाइनीज ठीक है, लेकिन उस लेवल का नहीं है जो वहाँ के चाइनीज रेस्टोरेंट है ना, वो पाकिस्तानी टच मैक्स होता उसमें। मैं इतना पिज्जे का फैन नहीं हूँ ना फिजा, लेकिन हम सिर्फ इधर आके पिज्जा खाते हैं, मुझे थिन क्रस्ट वाला पिज्जा बहुत पसंद है। शिकागो स्टाइल भी बड़ा पसंद था पहले ना, लेकिन अब पता नहीं दिल उठ गया उसे, नाउ आई लाइक द थिन क्रस्ट पिज्जा। हाँ शिकागो स्टाइल ना मजे का नहीं था, ये ज्यादा अच्छा है। बॉयज एंड गर्ल्स यहाँ पे हम जरा खाना शाना खाते हैं, उसके बाद घर जाके मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह। बॉयज एंड गर्ल्स व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आपको इस टाइप के रॉ व्लॉग्स पसंद हैं जिसमें मैं और फिजा जाके आउटिंग करते हैं या कोई भी ऐसी एक्टिविटी करते हैं, तो डू लेट मी नो। बाकी मैं पूरी रात मोस्टली उठा रहा था, एक दफ़ा बेबी ने उठा दी, फिर नींद ही नहीं आई, पता नहीं क्यों, खैर होती हैं ये चीज़ें। बट मैं उठा तो मैंने सारी ये ब्लॉग एडिट कर लिया रातों रात बैठ के ना, और फिर अभी मैं पोस्ट करने वाला हूँ। देखो ऑप्टिमिस्टिक सोच रखनी चाहिए, अगर आप उठ गए आपको नींद नहीं आ रही तो आप वो काम कर लो जो आपका पेंडिंग पड़ा हुआ है। खैर बाशन किसी और ब्लॉग के लिए मैं छोड़ देता हूँ। I will see you guys in the next vlog, inshallah.